नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। एक नेता और सामने आए जो अतीक की हत्या का बदला लेने उतरे हैं, लेकिन उनके भड़काऊ भाषण ने उन्हें ऐसा फंसा दिया है कि पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और धार्मिक भावनाओं के आधार पर लोगों को भटकाने का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। माफिया अतीक की हत्या का काफी नेताओं को बड़ा दुख है, जिसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। अखिलेश यादव, मायावती, ओवैसी ने हत्या को लेकर सरकार और कानून व्यवस्था पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। वहीं अब IMC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने निकाय चुनाव प्रचार के दौरान अतीक की हत्या के खिलाफ एक भड़काऊ बयान दिया। बयान ऐसा था कि पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, तौकीर रजा पर धार्मिक भावनाओं के आधार पर लोगों को भटकाने का आरोप लगा है, साथ ही उनके भाषण से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का खतरा भी जताया गया। दरअसल निकाय चुनाव के दौरान प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए तौकीर रजा ने कहा था कि अतीक की हत्या और आजम खां पर हुए जुल्म का बदला लेना है तो मुसलमानों को बदलना होगा। मुसलमानों पर जुल्म के लिए भाजपा जिम्मेदार है तो सपा भी कम कसूरवार नहीं है। मौलाना के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया। फरीदपुर इंस्पेक्टर ने बताया कि विवादित भाषण देने पर IMC प्रमुख तौकीर रजा खां के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वीडियो और स्थानीय स्तर पर मिले साक्ष्यों पर विवेचना होगी। वहीं तौकीर रजा IMC के प्रत्याशी इफ्ती खान के समर्थन में जनसभा करने आए थे। इस दौरान उन्होंने BJP और सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों तुम बदल जाओ, तुम्हें अतीक और अशरफ की हत्या का बदला लेना है, आजम खान की जिल्लत का बदला लेना है, मुसलमानों तुम्हें मौका मिला है ये बताने के लिए कि एकजुट हो जाओ, इसके बाद भी तुम लोग नहीं बदले तो अंजाम और बुरा होगा। देखा आपने किस तरह भरी सभा में जहर उगलने का अंजाम मिला है। इससे ये तो साफ है कि यूपी की सरकार और कानून दोनों ही इतने चौकन्ने हैं कि बिल्कुल भी किसी को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का मौका नहीं देना चाहते। अब देखना ये है कि IMC नेता पर आगे क्या कार्रवाई होती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।